कैलाश पर्वत पर कई धर्मों की आस्था है और यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर लैंडस्केप में बेशकीमती धरोहरों की श्रृंखलाएं हैं, जिससे अब ट्रांस बाउंड्री विश्व धरोहर बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये पर्वत हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और तिब्बत के प्राचीन धर्म बोनपोस में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। हिंदुओं की मान्यता के मुताबिक ये पर्वत एक शिवलिंग है जहां भगवान शंकर का वास है। वहीं मानसरोवर के जल को भी बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं इसके जल में स्नान करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वहीं जैन, बौद्ध और बोनपोस धर्म के मानने वालों के भी कैलाश पर्वत पर बड़ी आस्था है। इस धर्म के मानने वाले भी बड़ी तादाद में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। यही वजह है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला में कई धरोहरें हैं जिन्हें विश्व धरोहर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कैलाश पर्वत का जिक्र बौद्ध जातक कथाओं, स्कंद पुराण और कालिदास के महाग्रंथ में भी मिलता है। यही नहीं, हर साल बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं जिनकी इस पर्वत पर धार्मिक आस्था नहीं है, और जब लोग इस पवित्र और मानसरोवर झील को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। जिसे देखते हुए अब यूनेस्को ने कैलाश मानसरोवर लैंडस्केप की बेशकीमती धरोहर को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने पर विचार किया है। यूनेस्को के इस कदम से इतिहासकार और स्थानीय लोग भी खासे खुश हैं। व्यक्तिगत कामना तो यह है कि कैलाश हेरिटेज जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बननी है वो तीनों देशों के संयुक्त बने, क्योंकि जो असली कैलाश है, कैलाश मानसरोवर है, वो तिब्बत में है। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र इस कैलाश लैंडस्केप में हो सकते हैं जिनको हम विश्व धरोहर स्थलों के रूप में विकसित कर सकते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इसकी तरफ ध्यान जाए और यहाँ के लोगों की लाइवलीहुड और टूरिज्म इत्यादि का भी इसमें बढ़ावा मिल सके और प्रकृति का संरक्षण हो सके। असल में कैलाश मानसरोवर के अलावा लैंडस्केप में ओम पर्वत, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश और सबसे ऊंचा दर्रा देखने को मिलता है। वही पार्वती ताल, चामुंडा होकर देवी समेत कई और धरोहरें भी हैं। वही पार्वती ताल, चामुंडा, होकरा देवी समेत कई और धरोहरें भी हैं जिनमें लोगों की बड़ी आस्था है। जानकारों का कहना है कि इस क्षेत्र को पहले विश्व धरोहर घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रही कोशिशें भी फायदा पहुंचाएगी।